नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है यूनिक ऑनलाइन गुरु चैनल में। आइए हम लोग बात करते हैं। तो हम लोग मिक्सिंग भी सीख लिए फ्रेम सेट, अब हम लोग बात करते हैं नेस्टेड फ्रेम सेट की। बात करते हैं नेस्टेड का मतलब होता है अगर हम लोग फ्रेम के अंदर फ्रेम को इंसर्ट करें तो हमारा क्या कहलाता है, नेस्टेड फ्रेम कहलाता है। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं कैसे हम लोग नेस्टेड फ्रेम पर चर्चा करते हैं। आइए बहुत ध्यान से देखते हैं। हमने HTML ओपन कर लिया, फ्रेम सेट हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया, हमने यहाँ पे फ्रेम सेट डिफाइन कर दिया। ओके, हमने यहाँ पे फ्रेम सेट में क्या लिख दिया, फ्रेम सेट में हमने यहाँ पे कॉलम को डिफाइन कर दिया, फ्रेम सेट कॉलम, फ्रेम सेट हमने यहाँ पे कॉलम डिफाइन कर लिया। और कॉलम में हमने क्या रख दिया, चलिए ये हमने कॉलम को डिफाइन कर लिया। ओके, हमारा कॉलम डिफाइन हो गया। अब फ्रेम सेट क्या करेंगे, फ्रेम सेट यहाँ पे SRC फर्स्ट फ्रेम, ठीक है, क्या करेंगे फर्स्ट फ्रेम कर देंगे यहाँ पे। फ्रेम SRC इक्वल टू फ्रेम SRC इज इक्वल टू फ्रेम SRC इक्वल टू फर्स्ट फ्रेम डॉट HTML, फर्स्ट फ्रेम डॉट HTML। ओके, फर्स्ट फ्रेम डॉट HTML हो गया। अब क्या करेंगे, फ्रेम सेट रो डिफाइन कर लें, क्या डिफाइन कर लें, फ्रेम सेट रो को डिफाइन कर लें। ओके, चलिए रो को हमने यहाँ पे डिफाइन कर लिया। रो को डिफाइन करते ही अब क्या करेंगे डियर, यहाँ पे फ्रेम सेट हम यहाँ पे सेकंड फ्रेम सेट डिफाइन कर लें। तुरंत हमने यहाँ पे अप्लाई किया फ्रेम SRC इज इक्वल टू सेकेंड सेकेंड फ्रेम डॉट HTML, सेकेंड फ्रेम डॉट HTML। ओके, चलिए इस तरीके से हमने कर लिया। अब हमें क्या डिफाइन करना है, फिर हमने यहाँ पे कॉलम को डिफाइन कर लिया, फ्रेम सेट कॉलम को फिर हमने डिफाइन कर लिया। बिल्कुल यहाँ पे हमने क्या टाइप कर दिया, फ्रेम सेट कॉलम्स। चलिए फिर हमने कॉलम को डिफाइन कर लिया। ओके, फिर फ्रेम सेट हमारा थर्ड हो जाएगा, ठीक है, फिर क्या करना है, फ्रेम सेट हमारा थर्ड हो जाएगा। चलिए अब क्या डिफाइन करना है, फ्रेम SRC इक्वल टू SRC इक्वल टू थर्ड फ्रेम डॉट HTML, ओके। चलिए मैंने ये बना लिया, और भी बनाना है बिल्कुल आप बना सकते हो। फ्रेम SRC इक्वल टू फ्रेम SRC इक्वल टू थर्ड फोर्थ हो जाए यहाँ पे
फोर्थ फ्रेम डाटा एचटीएमएल डाटा एचटीएमएल यहाँ पे डिफाइन कर लिया। तीन बार फ्रेम सेट को बंद कर देंगे यहाँ पे हम। लास्ट में हमने क्या किया, एचटीएमएल को क्लोज कर दिया, एचटीएमएल को क्लोज कर दिया। चलिए इसको सेव कर लेते हैं। कपिल नाम से कपिल डॉट एचटीएमएल सेव कर लिया हमने इसको। इसको हम रन कराते हैं। ये हमारा नेस्टेड हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया डियर, ये हमारा नेस्टेड हो गया, क्या फ्रेम, नेस्टेड फ्रेम हम लोग यहाँ पे इसलिए ड्रा कर लिए, ठीक है। इस तरीके से हमारा आज ये फ्रेम का टॉपिक कंप्लीट होता है डियर। ओके, थैंक यू।